मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी पहुंचे, जहां उन्होंने बुधनी नगर परिषद के होने वाले चुनाव के लिए भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया और विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि बुधनी में नर्मदा मैया को साफ और शुद्ध रखने के लिए एक जल ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, साथ ही शौचालय आदि से निकलने वाले गंदे पानी का शुद्धिकरण कर अन्य पानी उपयोग में लाया जाएगा और उस गंदे पानी को नर्मदा मैया में जाने नहीं दिया जाएगा, जिससे नर्मदा का जल साफ और स्वच्छ रह सके। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकार की अनेकों योजनाएं गिनाई और जनता से भाजपा प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। मोदी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी योजना है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना है, उनका लाभ ठीक से मिले नगरों में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग जिताए, आम जनता जिताए, जनता जनार्दन जिताए। ये पार्टी से अपनी बुधनी ऐसा शहर है जिसको हमने हर घर को शुद्ध पेयजल से जोड़ने का अभियान चलाया है। अपने बुधनी में UIDSSM की योजना से लगा के हमने अनेकों योजनाओं के तहत न केवल पीने के पानी की व्यवस्था की है, यहाँ सड़कों का निर्माण एक प्रज्वल बुधनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 45 करोड़ 42 लाख रुपए के काम और बुधनी में अलग अलग सड़कें, नाली, पुल, पुलिया, जितनी बुनियादी सुविधाएं हैं वो बनाने के लिए हमारा काम चल रहा है। मतलब शौचालय का, टॉयलेट का पानी पाइपलाइनों के जरिए ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा और उस पानी को शुद्ध करके बाग बगीचों में दे देंगे, नर्मदा जी में गंदा पानी नहीं जाएगा।